आदेश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। पार्टी की शान यूनियन का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के धामपुर उपजिलाधिकारी प्रांगण में 12वें दिन भी अनिश्चित काल धरना जारी है। आपको बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 12 दिन से धामपुर उपजिलाधिकारी प्रांगण में अनिश्चितकाल धरना जारी है, जिसमें 4 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के द्वारा महापंचायत का भी आयोजन किया गया था, जिसमें अधिकारियों के द्वारा वार्ता विफल रहने के बाद से ही अनिश्चितकाल धरना चल रहा है। धामपुर तहसील क्षेत्र के तमाम किसान देर रात धरने पर बैठे और किसानों का लंगर भी जारी है, जहाँ पर दूर दराज से आए किसान लंगर भी शामिल है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी का कहना है, हमारे किसान एकता जिंदाबाद, जय किसान जय जवान जय जवान जय किसान। जोर जुलम की टक्कर से जब तक दुखी किसान रहेगा तभी का तूफान रहेगा। जय जवान जय किसान। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत राकेश टिकैत नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष धामपुर भारतीय किसान यूनियन। ये धामपुर उपजिलाधिकारी प्रांगण में अनिश्चितकाल धरना चल रहा है, अभी कुछ दिनों पहले आपकी महापंचायत भी हुई थी जिसमें वार्ता विफल रही, क्या कुछ कहना है आपको? देखो, भारतीय किसान यूनियन का धरना अनिश्चितकालीन आज 12वां दिन है। सरकार की बहुत सारी कमियां हैं, सरकार किसानों के बारे में सोचती नहीं है और सरकार लगातार किसानों का दमन नीति अपनाए हुए है, इसी के विरोध में यहाँ अनिश्चितकालीन धरना शुरू है। हमारी जिला स्तर की एक पंचायत हुई थी, उसमें 2-3 बार वार्ता हुई लेकिन वार्ता जीरो नतीजे में रही। ADM साहब भी आए, SP पूर्वी भी थे और भी विभागों के आदमी थे, कहीं भी किसी भी बात का कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं है। यहाँ का प्रशासन पूरे जोर आजमाइश कर रहा है किसानों के साथ के किस तरह से ये घर को भगाएं, लेकिन हमारा किसान ना कमजोर था ना कमजोर है ना कमजोर होगा। हमारी लड़ाई आर पार की है, जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जानेगी हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं है। मुख्य क्या मांगे हैं आप लोगों की? मुख्य मांगे हैं, देखो, दाखिल खारिज। यहाँ तहसील में बंद पड़ा हर एक तरह का, किसी भी तरह का दाखिल खारिज। अफजलगढ़ क्षेत्र के 12 गाँव है, उनके दाखिल खारिज बंद, पता नहीं कौन से रूप में बंद कर रखे हैं। बहुत सारे गांव की खतौनी बंद हैं, सट्टे उनके नहीं होते, 70 साल से वो किसान वहां रह रहे हैं, तो सरकार ने क्यों बसा रखा था भाई? जब से उनके मालिकाना हक उन्हें चाहिए। पीली डाम बांध में जमीन दी किसानों ने, उन्हें ना तो मुआवजा दिया गया ना जमीन के बदले जमीन दी गई। तो बहुत सारी मांगे ऐसी हैं कि आज तक किसी भी सरकार ने उनका समाधान नहीं करा। हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। हमने रूपरेखा अपनी तैयार कर ली है। हमारे हाजी जी निजामुद्दीन साहब हैं शेरकोट से, ये आज अनशन पर बैठे हैं और ये प्रक्रिया प्रतिदिन जारी रहेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।